हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप मेरी पिछली वीडियोस लगातार देख रहे होंगे और उनसे इंग्लिश की नॉलेज प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, या कॉलेज स्तर पर या स्कूल स्तर पर अच्छे से इंग्लिश में एग्जाम पास करने हैं, कंपटीशन फाइट करना है, तो हमें इंग्लिश की नॉलेज जो है बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए आप मेरी वीडियोस लगातार देखते रहें, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर करें, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, हो सकता है उसके बारे में अधिकांश को जानकारी ना हो। और आज का जो टॉपिक है, हम उस वीडियो में उसी का आपसे जिक्र करेंगे, और ये टॉपिक है हमारे शिष्टाचार से जुड़ा हुआ, या जिसे हम मैनर्स कहते हैं। और इसके लिए एक अलग वर्ड जो है एटिकेट भी यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग एटिकेट वर्ड को यूज करते हैं। तो एटिकेट्स मीन्स मैनर्स, और मैनर्स मीन्स हिंदी में आप शिष्टाचार कह सकते हैं। आपने बहुतों को कहते हुए सुना होगा, अरे उस राकेश में तो मैनर्स भी नहीं है, या इन बच्चों में तो तमीज या शिष्टाचार नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग, कभी आपने गौर किया है? वो इसलिए कहते हैं कि कई बातें हमसे या बच्चों से या लोगों से ऐसी हो जाती हैं कि हम लोगों की नजरों में जो है अशिष्टाचारी बन जाते हैं, यानी शिष्टाचार हम शो नहीं कर पाते। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक आपके सामने रखा है कि हम किस तरह से समाज में रह के, परिवार में रह के, या और कहीं भी आप हैं, तो वहाँ शिष्टाचार के साथ या एटिकेट्स के साथ पेश आए, जिसे हमारे बारे में लोग ऐसी बातें ना करें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटिकेट्स। एटिकेट्स मीन्स मैनर्स। और आज ये हमारा पार्ट ए है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको पार्ट ए बी या हो सकता है पार्ट सी भी इसका आए। तो मैनर्स एटिकेट्स यानी शिष्टाचार, शिष्टाचार जो हमारे चरित्र से जुड़ी हुई या हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो होती हैं। और अगर हमारे अंदर शिष्टाचार है तो फिर हम एक परफेक्ट आदमी कहलाते हैं, परफेक्ट पर्सन कहलाते हैं। आप कह सकते हैं ए परफेक्ट मैन इज दैट पर्सन हु हैज एटिकेट्स इन हिज और हर बिहेवियर। यानी एक परफेक्ट मैन वो ही कहलाता है जिसके अंदर, उसके व्यवहार में एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। देयर आर मैनी वेज टू शो आर एटिकेट और मैनर्स। और हम हमारा जो एटिकेट्स शो करते हैं या मैनर्स या शिष्टाचार शो करते हैं, उसके कई तरीके हैं। हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है उसमें कि शिष्टाचार या मैनर्स दिखाने के लिए हमें बहुत अधिक एफर्ट्स की जरूरत है या कोई विशेष उसकी आवश्यकता है। नहीं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं हमारे सामने, बस उनको आपको जो है यूज करना है अपने डेली लाइफ में। तो फिर आप देखिए कि किस तरह से आपको जो है लोग अलग ही नजरों से हटकर देखेंगे, कहेंगे कि यार वाह, मैनर्स हो तुम, इस बंदे जैसे हो, या देखो उनके बच्चों में कितने मैनर्स हैं, कितने एटिकेट्स हैं उनमें। तो ये ही हम चाहते हैं कि आपके लिए भी लोग ऐसा ही कहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट वर्ड, प्लीज। प्लीज वर्ड आपने सबने ही करीब करीब सुना होगा, हिंदी में कृपया इस तरह से इसको बोला जाता है। सो व्हेन वी यूज प्लीज वर्ड, ध्यान रखें प्लीज वर्ड का यूज जो किया जाता है, यानी आम आदमी जो इसको यूज करता है, या आज हम जो इसका यूज सीख रहे हैं, वो है टू टेक एनी थिंग और एनी हेल्प और एनी इंफॉर्मेशन। यानी जब आपको किसी से कोई वस्तु आदि लेनी हो, या आपको कोई हेल्प लेनी हो सामने वाले से,
या कोई इंफॉर्मेशन यानी कोई जानकारी लेनी हो, किसी का पता पूछना है, कोई रास्ता पूछना है, किसी अन्य बात बारे में जानकारी लेनी है, तो हमारा मैनर्स ये कहता है कि हम उससे सीधे ना बोलें कि आपका पेन देना या मुझे ये पता बताना या मुझे अपनी कार से लिफ्ट देना, ऐसा नहीं। आप प्लीज कह के उससे बोलिए, भले ही चाहे आप हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हैं, प्लीज आपका पेन दीजिए। आपने ये कहा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सामने वाला सोचेगा कि देखो ये मेरे से एज में इतने बड़े हैं, फिर भी इन्होंने मेरे से प्लीज कह के पेन मांगा है, या आपको कोई रास्ता पूछना है, लिफ्ट लेनी है या कोई सहायता लेनी है, तो आप हमेशा किस वर्ड का यूज करेंगे? प्लीज वर्ड का आपको हमेशा यूज करना है। इसमें हमारा कोई मान सम्मान नहीं घट रहा है यूएस, ध्यान रखें, बल्कि आपका सम्मान बढ़ रहा है इसमें, कि आप कितने मैनर्सफुल हैं, आप कितने एटिकेटफुल हैं, कि आपको जो है एक जरा सी चीज के लिए इस तरह से आपने बड़े मधुर शब्दों में जो है सामने वाले से वो वस्तु मांगी या हेल्प ली या जानकारी ली। ओके गाइस, तो इस तरह से आप जो है कोई भी जानकारी, हेल्प या वस्तु लें तो हमेशा प्लीज कह के बोलें, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज आपका पेन दीजिए, प्लीज हेल्प मी लाइक दिस, या प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये हमारे किसको शो कर रहा है? एटिकेट को शो कर रहा है। अब आपने प्लीज कह के सामने वाले का बैंक में विड्रॉल फॉर्म भरने के लिए पेन तो ले लिया, अब हमारा पर्च क्या कहता है? क्या हम उसे चुपचाप पेन पकड़ा दें? नहीं, हमारा फर्ज ये कहता है कि उसने जो आपको पेन दिया था, आपने जो प्लीज कह के उससे पेन मांगा था, जबकि वो आपको जानता नहीं है, लेकिन वो प्लीज ने इतना असर किया कि वो अनजान होते हुए भी उसका कीमती पेन आपको दे दिया उसने, तो हमारा फर्ज ये कहता है कि उस प्लीज के बदले, उसकी हेल्प के बदले हम उससे कुछ कहें। तो प्लीज के बदले आपको क्या बोलना है वो आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं। आप उससे थैंक्स कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच बोल सकते हैं, या मान लो फिर किसी ने बहुत ज्यादा एहसान हमारे ऊपर किया है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, बड़ी परेशानी में है, बड़ी आफत आ रही है उसकी, रात दिन जो है कर्जदार उससे पैसा मांग रहे हैं, कोई मित्र उसका आया, उसने कहा कि लो मैं आपको 2,00,000 रुपए देता हूं, आप अपना कर्ज उतारिए, तो बताइए ये एहसान कितना है उसके ऊपर? बहुत अधिक है, तो उसके लिए फिर वो जो है थैंक्स ए लॉट या थैंक्स ए मिलेनियम भी बोल सकता है, यानी आपको हजारों बार लाखों बार धन्यवाद। तो इस तरह से आप जो है प्लीज के बर्थडे जो आपने वो चीज ली थी वहां इनसे जो है आप वो कर सकते हैं। इसी में लास्ट पॉइंट है विद थैंक्स। विद थैंक्स को आप समझ लें कि ये हर जगह यूज नहीं होता है, बल्कि इसका जो हम यूज करते हैं वो तब करते हैं जब सामने वाले से आपने कोई वस्तु ली और जब उसको रिटर्न कर रहे हैं, आपने बैंक में पेन लिया था और अब आप उसको पेन दे रहे हैं, आप कलेक्ट्री से लिफ्ट लेके अपने सर्किल तक आए थे, आप जो है गाड़ी से उतर रहे हैं, तो वहां आपको विद थैंक्स नहीं बोलना है, क्योंकि आप कोई चीज नहीं लौटा रहे, बल्कि वो जो पेन लौटा रहे, वो जो 2,00,000 रुपए उस बंदे ने आपको दिए थे वो वापस कर रहे हैं आप, तब ये बोला जाता है विद थैंक्स, यानी आपका पेन धन्यवाद सहित वापस, आपने जो मनी मेरे को दी वो धन्यवाद सहित वापस। तो ध्यान रखें विद थैंक का केवल तब ही यूज किया जाता है, वरना आप ऊपर जो हमने आपको बताए इनमें से कोई से भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने उसको थैंक्स कर दिया अपने तरीके से, जो भी आपको बोलना था बोला, अब उसका क्या फर्ज बनता है? उसका भी मैनर्स ये कहता है कि ये नहीं कि वो आपकी थैंक्स को सुने चलता बने, नहीं, हमें भी उस थैंक्स के बदले कुछ कहना है, अपना मैनर्स भी हमें शो करना है, अपना एटिकेट भी हमें दिखाना है, और हम उस थैंक्स के बदले जो बोलेंगे वो है कि आप जो है कह सकते हैं कि इट्स ऑल राइट,
या दैट्स ऑल राइट भी आप कह सकते हैं, या फिर आप नेवर माइंड प्लीज कह सकते हैं, या सिर्फ नेवर माइंड ही बोल सकते हैं। इसके अलावा इट्स माय प्लेजर, ये बहुत चलन में है कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे से वस्तु मांगी, या मेरे से आपने हेल्प मांगी, या मेरे से आपने जानकारी ली, ये मेरा सौभाग्य है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर आप वेलकम, जो कि आज मॉडर्न युग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वेलकम, या यू आर वेलकम भी बोला जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जो है वेलकम भी बोल सकते हैं और यू आर वेलकम भी कह सकते हैं। या फिर आप जो है नेवर माइंड, और बहुत पहले अब इन वर्डों का चलन नहीं रहा, जैसे मेंशन नॉट है, नो मेंशन, इस तरह भी बोले जाते थे, लेकिन अब जो है ये काफी पीछे छूट चुके हैं। आप ऊपर जो मैंने बताए इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, अगर वेलकम या यू आर वेलकम या नेवर माइंड इस तरह से शॉर्ट में बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उस थैंक्स के बदले आपको ये वर्ड बोलने हैं। ये नहीं सामने वाले ने आपको थैंक्स किया और आपने चुपचाप सुनार चलते बने, नहीं, इसका मतलब आप मेहनत शो नहीं कर रहे, आप अपना एटिकेट नहीं दिखा रहे, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई नॉट और विद ग्रेट प्लेजर। ये वर्ड्स तब यूज किए जाते हैं जब हमसे कोई वस्तु मांग रहा है या हमसे कोई सहायता मांग रहा है और आप उसको देना चाहते हैं। सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय बस और आपके पास में कोई मैगजीन है या अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो आपने पढ़ लिया और बगल में उसको रख दिया। आपके सामने बैठा हुआ पैसेंजर, उसकी इच्छा हुई कि चलो अपन भी मैगजीन पढ़ लें, लेकिन उसका मैनर्स ये है कि वो पहले आपसे पूछ रहा है, ये चुपचाप नहीं उठाया उसने, बल्कि उसने कहा कि क्या मैं आपका अखबार ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी मैगजीन ले सकता। तो अब यदि आप देना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में या मैनर्स के साथ किस तरह से कहेंगे, तो इसके लिए हमारे दो सेंटेंस यूज किए जाते हैं, या तो व्हाई नॉट, नॉट का मतलब ये नहीं कि आप उसको मना कर रहे हैं, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, या व्हाई नॉट का मतलब है कि हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये इसका सेंस जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ ले सकते हैं सर, आप सर जोड़ना चाहें, मान लो कोई सम्माननीय व्यक्ति है हमसे ज्यादा बड़ी एज के हैं, तो आप विद ग्रेट प्लेजर सर ये भी जोड़ सकते हैं, या फिर विद ग्रेट प्लेजर यानी बड़ी खुशी से आप ले सकते हैं, ये पूरा सेंस इसका होगा। तो इस तरह से आपको जो है अपना मैनर्स शो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू रिफ्यूज एनी ऑफर। टू रिफ्यूज एनी ऑफर का सेंस ये है कि हमारे सामने कोई ऑफर है, मान लो आप ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं, सामने वाले चाय पी रहे हैं, कर्सी के तौर पर उन्होंने आपसे भी कहा कि सर चाय लीजिए, या जो है आप और किसी चीज के लिए आपको कोई ऑफर दिया गया, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, इस तरह की बातें जो हैं, तो इनको किस तरह से रिफ्यूज या इनकार या मना किया जाता है। सामने वाले चाय लेकर आए, सर चाय लीजिए, आपको मना करना है, तो मना करने का इंग्लिश में ये तरीका है नो थैंक्स, सिर्फ नो नहीं बोलना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सिर्फ नो बोलेंगे, या वो पूछा कि चाय लेंगे तो यस और फिर नो बोल जाते हैं, दोनों वर्ड एक साथ यूज करते रहे, तो ऐसे दोनों वर्ड यूज नहीं करने हैं, बल्कि आपको नो के साथ थैंक्स बोलना है। नो तो इसलिए कि हमको वो चीज नहीं लेनी, मना कर दिया हमने, थैंक्स इसलिए कि सामने वाले ने हमसे पूछा, उसके लिए हमने उसको धन्यवाद किया कि आपने मेरे सामने चाय ऑफर की, उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन नो यानी मैं टी नहीं लूंगा। तो इस तरह से गाइस आप इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखें, इनको अच्छी तरह लर्न करें, बहुत टिपिकल या ऐसे कोई रूल नहीं है कि जो हम इजी वे में इनको लर्न नहीं कर सकते हैं, बस आपको एटिकेट्स या मैनर्स के तौर पर इनको अपनी रियल लाइफ में यूज करना है, जिससे सामने वाले समझे कि हाँ यस यू आर मैनर्सफुल पर्सन। तो गाइस पार्ट ए में आज हम इतनी जानकारी रखेंगे, पार्ट बी में इससे आगे और रोचक जानकारी आपके सामने आएगी, तो इसलिए आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन आल्सो।
एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड शेयर माई ऑल वीडियोज। तो इस तरह से आप जो है इसको टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, और तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।